उकायन संस्थान और राजस्थान सरकार के कला साहित्य एवं पुरातत्व विभाग की ओर से आयोजित इस 15 दिवसीय साहित्य उत्सव में आज हम संवाद करने जा रहे हैं प्रख्यात साहित्यकार, चिंतक, नाटककार और कवि डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य से। आचार्य न केवल हिंदी क्षेत्र में बल्कि भारतीय साहित्य में एक ऐसा नाम है जिसके लिए हम जो स्वनाम धन्य विशेषण प्रयोग करते हैं वो ठीक ठीक अर्थों में लिया जा सकता है। अनेक विचार ग्रंथों, नाटकों, काव्य पुस्तकों के सृजन के अलावा बौद्धिक संसार में आचार्य के कुछ ऐसे अवदान भी हैं जिनका जल्दी से कोई दूसरा सानी नहीं मिल सकता। जैसे उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्ष पहले आचार्य जी ने अहिंसा विश्वकोश नाम से जो एक ग्रंथ संपादित किया वो एक तरह से अहिंसा चिंतन का एक वैश्विक कोश है और उस पर पूरे विश्व का ध्यान गया। इसी तरह हमारे अनेक चिंतक जिनकी चिंतन धारा को आज के परिप्रेक्ष्य में जांचने का और परखने का और उसे प्रासंगिक बनाने का काम आचार्य जी ने कहा किया। इसी तरह विनोबा पर जो उनकी किताब है वो भी बहुत उल्लेखनीय है। तो आज के इस संवाद में मैं ये जो सुदीर्घ साहित्यिक यात्रा है आचार्य जी की, जो बीकानेर शहर से शुरू होती है, बीकानेर और जोधपुर राजस्थान के दो बहुत परंपरागत शहर है और यहाँ की अपनी एक संस्कृति है। इस सांस्कृतिक परिवेश में जिस मकाम पर आज आचार्य जी पहुँचे हैं वो एक लंबी यात्रा है। तो मैं आज आचार्य जी के साथ चर्चा में इस यात्रा के जो भी पहलू, जो भी मोड़, जो भी टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं उनसे आप लोगों को इनके माध्यम से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानता हूं कि बहुत लंबे समय तक आचार्य जी की एक पहचान रही सप्तक के कवि के रूप में। सप्तक एक काव्य परंपरा थी और हम सब जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सप्तक काव्य परंपरा शुरू की। राजस्थान से सप्तक में एकमात्र स्थान किसी कवि को मिला तो वो डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य थे और वो चौथा सप्तक के कवि के रूप में बहुत समय तक मशहूर रहे। इससे पहले आचार्य जी ने अज्ञे की काव्य यात्रा पर एक पुस्तक अपनी युवावस्था में लिखी थी, अज्ञे की काव्य तितीर्षा। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी से यही पूछना चाहूंगा कि अज्ञे के साथ, अज्ञे जैसे बड़े लेखक के साथ आपका जो रिश्ता रहा वह रिश्ता किस तरह शुरू हुआ और उसका आपके समग्र साहित्यिक लेखन पर कैसा असर रहा? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आज भी मेरे साहित्य पर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो असर समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक लेखक अपने से पहले के जो मास्टर्स हैं उनसे कुछ न कुछ लगातार सीखता रहता है। मैं अज्ञे का बहुत शुरू से पाठक रहा, कह सकता हूँ कि कुछ कहानियाँ मैंने बचपन में उनकी पढ़ी थी, उनके कवि रूप से मेरा बहुत बाद में परिचय हुआ।
और उसके बाद शेखर एक जीवनी जब मैंने पढ़ा, जब मैं मैट्रिक में था, तो मैं आज भी उस पढ़ने के अनुभव को भुला नहीं पाता। उस भाषा ने, शेखर के चरित्र ने, किस तरह से उसके उसका आंतरिक द्वंद है, उसने मुझे लगा जैसे मेरा ही या मेरे जैसे किसी भी एक युवा किशोर का, कहना चाहिए युवा भी नहीं, वो द्वंद हो सकता है। तो इसलिए उसके बाद फिर युवा, जब भी मुझे कोई पुस्तक या कोई उनका लेखन इधर उधर से कहीं से भी मिल जाता तो मैं बड़ी रुचि से उसे पढ़ता था, बड़ी उत्सुकता से पढ़ता था। उसके बाद दूसरा उपन्यास उनका पढ़ा, नदी के द्वीप, उसने भी मुझे उसकी भाषा ने खास तौर से और बहुत गहरे में प्रभावित किया। बाद में जब उनकी कविताएं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने उन दिनों में कविताएं लिखनी शुरू की थी उन्हीं दिनों में उनकी कविताओं से, और हिंदी के दूसरे जो प्रमुख कवि थे उनकी कविताओं से परिचय हुआ। उससे पहले तो मैं केवल पंत निराला प्रसाद वगैरह को ही जानता था, मेलसन गुप्त वगैरह को, या मध्यकालीन कुछ कवियों को जो कोर्स वगैरह में लगते थे। लेकिन तब मैंने पाया कि इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, खासतौर से शब्द के प्रति जो सजगता उनमें दिखाई देती है। बहुत पहले जब मैंने कहीं पढ़ा था कॉलरिज का एक वाक्य कि पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, जी मैं आज भी मानता हूँ कि वो एक बहुत सही परिभाषा है कविता की। और मुझे लगा कि हिंदी में अगर कोई कवि इस परिभाषा पर खरा उतर सकता है तो वो अज्ञेय है, क्योंकि इतना सजग और सचेत प्रयोग मैंने, और शब्द के प्रयोग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक अच्छा शब्द चुन लिया है, उसका मतलब ये होता है कि उस शब्द में कितनी ध्वनियाँ और उसकी अंतर ध्वनियाँ, उसकी पूरी यात्रा उस शब्द की व्यंजित होती है या नहीं होती है। तो सीखना ये पड़ता है कि आप कैसे अपने शब्द के माध्यम से पूरी अपनी भाषा की काव्य यात्रा में से पाठक को गुजार सकते हैं। जी तो ये चीज़ मैं नहीं जानता कि मेरी अपनी राइटिंग में आया है कि नहीं आया है, लेकिन मुझे लगा कि कवि को ये कर सकना चाहिए। ये कवि का मुख्य काम यही है कि वो परंपरा से मिले हुए शब्द को एक नया संस्कार दे, लेकिन उस संस्कार को देते हुए उन ध्वनियों को भूल ना जाए जो उसमें न्यस्त है, अंतर्निहित है। तो इस कारण से मुझे प्रभावित किया, और इसलिए पुस्तक का जिसका जिक्र आपने किया वो मैंने लिखी थी जब मैं विद्यार्थी ही था, एक तरह से कहना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य में एम ए के इम्तहान दे करके मैं थोड़ा मुक्त हुआ था, तो उन्हीं दिनों में एक संयोग था, इसका जिक्र मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, कि वो जिन्होंने वो पुस्तक छापी बाद में, सूर्य प्रकाश मंदिर के मालिक सूर्य प्रकाश बिस्सा, जो मेरे कॉलेज फेलो थे, हम बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे पारस्परिक, उनको डॉक्टर राजानंद भटनागर ने सुझाव दिया। उन्होंने कभी मुझे अज्ञेय पे बोलते हुए कहीं पर बातचीत करते हुए सुना और उनको लगा कि मैं शायद इनकी ठीक से व्याख्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने सुझाव दिया कि इससे ये लिखवाओ। और वो किताब उस दबाव में, मतलब मैंने उससे पहले कोई आलोचना वगैरह लिखी नहीं थी, और हिंदी आलोचना की थोड़ा बहुत पढ़ा था इधर उधर से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था कि कैसे आलोचना की जाती है, हिंदी में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वो पुस्तक लिखी गई, और उस समय तक मैंने अज्ञेय की शक्ल भी नहीं देखी थी फोटो के अलावा, जी मिलना तो बहुत दूर की बात है, और न कभी मेरे मन में था कि मैं मिलूँ, क्योंकि जब मुझे कहा गया, डॉक्टर पुदुम दैया ने कहा कि आपने पुस्तक लिखी है तो आप अज्ञेय जी से मिल लीजिए, तो उन्होंने, वो दिनमान में थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे क्या करना मिल करके, और मुझे कोई उनसे अप्रूवल थोड़ी लेना है कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, तो जो मैंने ठीक लगा है मैंने लिखा है। पुस्तक छपी तब तक वो कैलिफोर्निया चले गए थे बर्कले, और मेरे प्रकाशक का मित्र भी था मेरा, तो उसका बड़ा मन था कि अज्ञेय जी इसको पढ़ लें, तो उन्होंने वो पुस्तक उसको वहीं उनको भेज दी। और मैंने कहा भी था जब लौटेंगे तब भिजवा देंगे, तो बोला नहीं नहीं, तो भेज दी। खैर वो भी एक लंबी कहानी है। कुछ अरसे बाद एक पत्र भी मुझे उनका मिला, तो उसमें ये था कि वो लौटेंगे तो शायद जोधपुर में ही कहीं उनको आना हो, तो
कहीं मेरे से भेंट हो सकेगी ऐसी उम्मीद करते, पुस्तक उनको पसंद आई थी। जोधपुर से, क्योंकि मैंने इतिहास में एम ए जोधपुर विश्वविद्यालय से किया था, जोधपुर मेरे दूसरे घर की तरह से है, ये तुम जानते हो अच्छी तरह से, और उन दिनों में खूब आना जाना भी होता था लगातार। तो जब मैं अगली बार गया, जब आ चुके थे वहाँ जोधपुर में, तो उनसे भेंट हुई मेरी। और वो उन दिनों में मैंने एक पत्रिका चिति कविता पत्रिका निकालनी शुरू की थी, उसके लिए मैंने उनकी कविताएं भी मांगी। फिर वो संपर्क लगातार बढ़ता चला गया, और उनके साहित्य की जो समझ मेरी थी वो शायद ज़्यादा गहरी होती गई, मैं कह सकता हूँ। आज शायद मैं और तरह से सोचता हूँ उसके बारे में, ये नहीं कि जो पहले सोचा वो गलत था, बल्कि और ज़्यादा कैसे और गहराई से उनको समझा जा सकता है, कभी अवसर मिला तो शायद दोबारा कभी लिखूँ। लेकिन फिर मैंने ये पाया कि हिंदी, अगर तुम्हें याद हो तो विजय देवनारायण शाही ने अपना जो पहला कविता संग्रह मछलीघर में प्रकाशित किया उन्होंने, तो उसे अज्ञेय को समर्पित किया था, और भाषा उसमें लिखा यह था कि अज्ञेय को जिन्होंने हिंदी कविता को एक बार फिर संभव किया, ये समर्पण वाक्य था। और आप समझिए कि ये विजय देवनारायण शाही का समर्पण वाक्य था, जो किसी से आसानी से प्रभावित नहीं होते थे और बड़े स्पष्टवादी किस्म के व्यक्ति थे। संयोग से उनका स्नेह मुझे भी प्राप्त रहा, तो ये संपर्क मेरा उनसे बना और फिर लगातार बढ़ता चला गया। और उसके बाद तो जितना वो लिखते गए मैं पढ़ता भी चला गया, उनसे बातचीत होती रही, उनके साथ यात्राएं की, उनके साथ उनके काम में सहयोग किया, वत्सल निधि के काम में सहयोग किया, जो प्रकाशन उन्होंने वत्सल निधि के हो रहे थे उनको ठीक तरीके से उसकी प्रेस कापी तैयार होना और उसके बाद में फाइनल प्रूफ देखना वगैरह, ये सब काम भी किया। नया प्रतीक जब उन्होंने निकाला तो उसमें, क्योंकि उन दिनों में मैं दिल्ली में था, एवरीमेंस मोनी के साथ काम कर रहा था, तो वो काम भी मैंने उनके साथ सहयोगी के रूप में किया। तो एक प्रकार से एक संपर्क लगातार, मैं समझता हूँ कि लगभग अगर 71 से ये मानो कि उनसे संपर्क में रहा हुआ पहली दफ़ा, तब से लेकर के और उनकी मृत्यु तक वो संपर्क लगातार घनिष्ठ बना रहा। मेरी छुट्टियाँ अक्सर उनके साथ बीतती थी दिल्ली में या कहीं और यात्राओं में, और भी उनके कामों में सहयोग होता रहा। पर कामों में सहयोग के साथ साथ में वो, मैंने ये पाया कि वो कितना परफेक्टली काम करते हैं, किसी भी काम को करने की उनकी जो प्रक्रिया थी वो इतनी सहज होती थी, लेकिन बहुत परफेक्ट, वो टेंस नहीं होते थे लेकिन बड़ा परफेक्टली उस काम को करते थे। तो मैंने कोशिश उनके साथ, क्योंकि ट्रेनिंग हो गई अपने आप, तो एक आदत मेरी भी पड़ गई कि मैं काम बिना टेंशन के करता हूँ, लेकिन संभव उतना, उनके जितना तो नहीं, लेकिन संभव कोशिश ये करता हूँ कि चाहे वो कविता लिखने का काम हो, चाहे उसे प्रकाशित करने का काम हो, चाहे वो लेख लिखने का काम हो, या कुछ भी इस तरह का काम हो, उसे और वैयक्तिक जीवन में भी जितना ज़्यादा उसको मैं व्यवस्थित तरीके से कर सकूँ करूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही व्यवस्था प्रिय व्यक्ति थे, और ये व्यवस्था प्रियता उनकी साहित्य में भी थी और विचार साहित्य में। जब व्यवस्था प्रियता कहता हूँ तो राजनीतिक व्यवस्था से मेरा मतलब नहीं, उसके तो विरोधी ही रहे, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया थी प्रस्तुत करने की चीज़ों को, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक असर मेरे पे, मैं समझता हूँ आज भी जब पढ़ता हूँ उनको तो कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जिन दो लेखकों से मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, वैसे तो सभी से सीखता हूँ, अपने से यंगर लोगों से भी सीखता हूँ, लेकिन मास्टर्स में अगर मैं कहूँ तो एक गालिब थे, एक अज्ञेय थे। जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं, उन दिनों हिंदी के परिदृश्य में एक ऐसा, मतलब एक ऐसा था कि एक तरफ अज्ञेय और पूरा हिंदी का एक समूह वो एक तरफ, और एक साहित्य में क्या पता नहीं ये शब्द ठीक है या नहीं, लेकिन एक शीत युद्ध का माहौल था। तो उन दिनों आप काफी शक्तिशाली ढंग से अज्ञेय के विचारों के साथ खड़े थे। दरअसल अज्ञेय के विचारों के साथ खड़ा होना आप कह सकते हो, उसे जो था भी, लेकिन मूलतः मैं अज्ञेय के विचारों के साथ नहीं बल्कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के विचारों के साथ खड़ा था। और जो, जिसे आप शीत युद्ध कह रहे हैं उसकी तरफ, दूसरी तरफ जो
वर्ग था उन, आजकल तो वो भी स्वतंत्रता के पक्ष दे रहे हैं, लेकिन उस समय स्वतंत्रता सबसे उनको थोड़ी चिढ़ होती थी, ये तुम्हें भी याद होगा अच्छी तरीके से, तो वो एक चिढ़ होती थी उनको, और इस कारण से मुझे लगता था कि अगर मनुष्य स्वतंत्रता के लिए नहीं संघर्ष कर रहा तो और किस चीज के लिए कर रहा है, और आज भी मैं उस बात को मानता हूँ। मेरा उन लोगों की विचारधारा से इतना विरोध नहीं था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मार्क्सवाद में बहुत सारी चीजें वरेण्य है, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी न रहना, मैं मानता हूँ कि वो एक सही अर्थ नीति है, मनुष्य मात्र को समान समझना वो एक सही सामाजिक नीति है, लेकिन अगर आप उसके लिए मनुष्य की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है फिर न समानता रहती है न मनुष्य रहता है, तो इस कारण से ये, और दूसरा ये था कि वो उनकी लड़ाई जो थी वो सैद्धांतिक कम थी, व्यक्तित्व की ज्यादा थी, व्यक्तित्व के प्रति एक अधिक विरोध का भाव उनके मन में था, शायद इसलिए रहा होगा क्योंकि अज्ञे स्वयं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष धरते उस दौर के अंदर। मुझे आज भी कोई ऐसा आलोचक जैसे तुम शीत युद्ध का दूसरा पक्ष कहते हो, किसी एक भी आलोचक ने उस पक्ष से अज्ञे के साहित्य की कोई व्याख्या नहीं की है। अगर तुम्हारा गौर जाता हो हिंदी साहित्य के उस समय के वातावरण पर, किसी ने भी सिर्फ गाली दी है, किसी ने भी, इंक्लूडिंग डॉक्टर नामवर सिंह, उन्होंने कभी व्याख्या करने की कोशिश नहीं की, ये व्याख्या करके समझाएं कि ये क्यों गलत है, व्याख्या करके समझाएं कि ये इन्होंने भाषा में या अन्यत्र क्यों क्या गड़बड़ी की है, ये ऐसा नहीं किया उन्होंने, केवल वो। और दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि अकेले अज्ञे ही नहीं थे, उस दौर में बहुत सारे लोग थे। अब अज्ञे एक बड़ा नाम था तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि वो प्रमुख थे उनमें से, लेकिन साही भी उन्हीं में से एक थे, रघुवीर साहब भी उन्हीं में से एक थे, काफी हद तक सर्वेश्वर भी उन्हीं में से एक थे, श्रीकांत वर्मा भी उसी में से एक थे, चाहे आपस में इनके विरोध भी रहे हों, लेकिन जहां तक मानवीय स्वातंत्र्य का सवाल है, सभी लोग एक पक्ष में थे। तो मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोई एक, क्योंकि सबसे बड़े उनको वो दिखाई देते थे, तो इसलिए सबसे अधिक विरोध उनका होता था, स्वाभाविक बात है। मैं भाई साहब, मैं ये ऐसा देखता हूँ कि भारतीय क्या हिंदी की जो मार्क्सवादी आलोचना है उसका एक स्वभाव मेरी समझ से, मैंने शुरू से ही मतलब उसको पकड़ा है एक तरह से, जैसे वो अपनी पसंद के लेखकों को, चाहे वो मार्क्सवाद की कसौटी पर बहुत अधिक खरे उतरते हों या ना हो, लेकिन वो एक तरह का वैचारिक एप्रोप्रिएशन करते हैं। जैसे शमशेर को इस तरह से मार्क्सवाद में रिड्यूस नहीं किया जा सकता जिस तरह से मार्क्सवादी आलोचना करती है, तो लेकिन शमशेर के साथ वो खड़े हैं। अज्ञे क्या इस उनके इस मतलब इस परिधि में या इस प्रक्रिया में कहीं मतलब फिट नहीं बैठते थे कहीं किसी तरह? उसकी वजह यह थे कि शमशेर जो है वो अपने को वैचारिक रूप से मार्क्सवादी कहते थे, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी, इस तरह की कुछ बहुत स्थूल किस्म की कविताएं भी उनकी हमको मिलती है, तो इसलिए उनको लगता था हमारे साथ है ये। निर्मल वर्मा अपने को मार्क्सवादी कहते थे, वो तो पार्टी मेंबर भी थे, मैं नहीं जानता कि परिंदे की कहानियों में कहां उनको वो मार्क्सवाद दिखाई देगा जो कि, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ थे इसलिए वो उनका बचाव करते थे। पर मैं ये मानता हूं कि हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना है कहां, मार्क्सवादी आलोचना के जो बुनियादी सिद्धांत हो सकते हैं, मार्क्सवाद के नहीं, मार्क्सवादी साहित्यिक आलोचना के, क्या हिंदी में सब बड़े से बड़ा कोई ऐसा मार्क्सवादी आलोचक है जिसने भारतीय साहित्य के संदर्भ में मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांतों की परख की हो, या उन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय साहित्य की परख की हो? क्या एक भी ऐसा मार्क्सवादी आलोचक है जिसने कोई नई अवधारणा मार्क्सवाद से लेते हुए भारतीय साहित्य के संदर्भ में दी हो? क्या आपको, इसलिए मैं ये मानता हूं कि मार्क्सवादी आलोचना है ही नहीं, वो मार्क्सवादी राजनीति से प्रेरित आलोचना है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों से प्रेरित इसका इसकी जड़ें कहीं इस बात में तो नहीं है कि ये जो भारत में जो मार्क्सवाद है
मुझे याद आता है कि भगवान सिंह जी ने एक किताब लिखी है और उसे मैंने बहुत मनोयोग से पढ़ा है, बल्कि एक से अधिक बार पढ़ा है। उस किताब का नाम है भारत तब से अब तक, और उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो मार्क्सवाद का भारत में विकास हुआ है उसकी कोई भारतीय जड़ें नहीं है। वो उसको भारत के स्वभाव को और भारत के अपने चरित्र को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के व्यवहारों को समझकर अपनी दिशा ग्रहण करनी चाहिए, और यही कारण है कि वो बिखर गया। तो ये जो उनका राजनीति के संदर्भ में कहना है, उसको साहित्य में भी क्या इसका रूप रहा है कि भाई मैं तो ये बांध रहा हूँ ना, मैंने आपसे कहा कि मार्क्सवादी आलोचना उन अर्थों में तो है नहीं। वो मार्क्सवादी पार्टियां जो अपने को मार्क्सवादी पार्टियां कहती हैं, उनकी राजनीति से प्रेरित आलोचना है। तो उनकी राजनीति को जो सही बड़ा, आप मुझे बताइए कि इतने अधिक प्रगतिशील संघ अलग है, प्रगतिशील लेखक संघ, फिर जनवादी लेखक संघ अलग है, फिर जन सांस्कृतिक मंच अलग है, तो ये इनकी क्या जरूरत है? इनकी जरूरत इसीलिए है कि सब अलग अलग राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो मार्क्सवाद के नाम पे पार्टियां बनी हैं, उनके उनकी राजनीति को समर्थन करने के लिए वो मानते हैं कि इनकी राजनीति सही है, दूसरा मानता है उनकी राजनीति सही है, और वो जो सही राजनीति है उसके मुताबिक फिर साहित्य को देखने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो ये मानते हैं कि साहित्य किसी भी विचारधारा का गुलाम नहीं होता, और वो एक स्वतंत्र अन्वेषण विधि है, एक अनुभूत्यात्मक अन्वेषण की विधि है, जिसमें आप पहले से नहीं तय कर सकते कि आपको यही निष्कर्ष देना है। वो स्वयं अपना निष्कर्ष अपनी प्रक्रिया में से निकालता है। तो अगर ऐसा नहीं कोई लेखक करता है, पहले से तय करके लिखता है कि मुझे ऐसा लिख देना है, ऐसा सिद्ध कर देना है, तो फिर वो एक कारीगरी का काम कर रहा होता है। जैसे पहले से डिजाइन आपको दे दिया गया है, इसके मुताबिक चीज बना दो, मतलब यूं समझिए कि जैसे चाशनी में लपेट के गले उतारने का काम करता है विचार को। तो ये साहित्य का काम नहीं है बुनियादी रूप से। इसी बात को लेकर मतलब उसके केंद्र में रचनात्मक अनुभव की जगह प्रतिपाद्य जो है पहले से तय है, वो पहले से तय है, और उसको एक वो कलेवर पहनाता है, कलेवर देता है। हाँ, तो वो इसलिए कहता है ताकि लोग इसको वैचारिक स्तर पे तो विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन साहित्य में एक विरोध क्या होगा? वो तो आपको एक संवेदनात्मक भावनात्मक असर करता है, तो वो अगर कर उसके माध्यम से आप कर दें वैसे तो ठीक है। हाँ, जैसे विश्व साहित्य में हम इसका एक बड़ा उदाहरण मैक्सिम गोर्की की माँ को ले सकते हैं, उसी तरह हिंदी में भी कुछ किताबें ऐसी। नहीं, मैक्सिम गोर्की की माँ में फिर भी मतलब वहाँ के जीवनानुभवों से निकली हुई चीज है। हाँ, उसमें कुछ उसको आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ तो अंत तय कर देना कि ये आखिर तक यहाँ पहुंचा देना है इसको। ये तो भी मैक्सिम गोर्की का भी घोषित उद्देश्य ही नहीं, था वो पार्टी तो, लेकिन कुछ जगह उन्होंने कमाल का मतलब जीवनानुभवों का चित्रण, वैसा हमारे यहाँ नहीं मिलता। और बल्कि सबसे बड़े कवि जो माने जाते हैं आधुनिक मार्क्सवादी आलोचकों की नजर में, मुक्तिबोध, वो स्वयं भी वैसे नहीं है। मतलब वो मार्क्सवादी सिद्धांतों को साहित्य में नहीं मानते हैं। एक उलझन है उनके यहाँ लगातार, और न केवल उलझन है बल्कि कई दफा ये कहते हैं उनकी जो सिद्धांत है उनका, जो तीन क्षणों का, रचनात्मकता के तीन क्षणों का, उसमें वो कहते हैं कि आखिरी क्षण तक आते आते तो सब कुछ बदल जाता है, मैंने जो सोच के लिखना शुरू किया था वो बदल जाता है, और स्वयं फॉर्म जो है वो कैसे कंटेंट को बदल देता है। ये उनका, जब वो अव्यक्ति रूप ग्रहण करता है तब वो कंटेंट बदल जाता है, जहां से मैंने शुरू किया था वो नहीं रहता। इसीलिए मैंने कहा उनको, और दूसरी तरफ वो कबीर तक के बारे में ये कहते हैं कि जहां कबीर अपने मस्त होकर के कविता करते हैं वहां तो बहुत वरेण्य है, लेकिन जब वो अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कबीर भी करते हैं तो वहां वो प्रभावित नहीं करते। तो यानी ये बताता है कि कैसे साहित्य स्वयं कुछ अनुभूतियों के माध्यम से कुछ मूल्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। आपका उर्दू के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मैंने कहा कि गालिब मेरे सबसे अधिक पसंदीदा कवियों पे। कुछ लोग उर्दू, भारतीय उर्दू साहित्य की परंपरा में मीर और गालिब दोनों को मुकाबिल खड़ा करते हैं, तो आपके दोस्त भी करते हैं,
तो अब आपस में मजाक है हमारा तो और गालिब खुद तो खैर उनका ऋण स्वीकार करते हैं मीर का, कहेंगे उनसे पहले के कवि है तो करेंगे। एक जगह एक बार आपने कहा था कि गालिब भारतीय काव्य धारा में सबसे बड़े कवि इसलिए हैं, आपने ये लिखा था, मैंने पढ़ा था कहीं, कि चूंकि उनके यहाँ आलोचना का जो प्रस्थान बिंदु है वो आत्मालोचना से है, वो सबसे पहले अपने को, अपने व्यक्ति को उस परिवेश में कटघरे में खड़ा करते हैं, इसलिए वो पहले आधुनिक कवि, आपने बल्कि यही शब्द काम में लिया, पहले आधुनिक कवि गालिब हैं, तो इस पर थोड़ी सी आप। मैं ये मानता हूं कि न केवल भारतीय साहित्य में बल्कि शायद विश्व साहित्य में वो पहले आधुनिक कवि हैं गालिब। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस आधुनिकता की शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरू में या 19वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में फ्रांस वगैरह में हमको उसके बीज दिखाई देते हैं, वो बड़े प्रखर रूप से आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में और मध्य में गालिब में दिखाई देती है। जो अभी तुमने जिसका जिक्र किया कि आत्मालोचन, यानी अपने पर व्यंग कर सकना, अपनी अपनी कमियों को भी पहचान सकना और साथ ही अपने अंदर एक अपने अनुभव में विश्वास रख सकना, ये दोनों चीजें जो है वो आपको गालिब में एक साथ मिलती है। उम्मीद भी मिलती है संघर्ष करने की एक ललक, संघर्ष जैसे सीधे सीधे उसको संघर्ष नहीं कहेंगे शायद आप, लेकिन एक गहरे संघर्ष का भाव उनमें हमको मिलता है। लेकिन दूसरी ओर वो कहाँ कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ विफल हो रहे हैं और उसका क्या असर उन पे पड़ रहा है वो भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य वहाँ केंद्र में है। आधुनिकता की मैं मूल जो धारणा में केंद्रस्थ जो चीज है वो ये मानता हूँ कि वहाँ मनुष्य मूल में है कि नहीं है, केंद्र में कौन है। अगर आध्यात्मिक किस्म की कविता भी है तो वो मनुष्य और किसी आध्यात्मिक सत्ता के साथ रिश्ते के अंदर मनुष्य को केंद्र में रखती नहीं रखती, उससे आधुनिकता तय होती है। एक आधुनिक आध्यात्मिक कवि भी इसीलिए आधुनिक है क्योंकि वहां मनुष्य को केंद्र में रख करके वो बात कर रहा है, न कि किसी परम सत्ता को केंद्र में रख करके बात कर रहा है। तो ये चीज हमको गालिब में मिलती है, तो इसलिए मैंने कहा था कि वो, और ये चीज हमको उस समय, और जहां तक मैं, हो सकता है कि कोई कवि मेरी नजर से चूक गया हो, लेकिन जितना मैंने उस समय का यूरोपीय साहित्य भी पढ़ा है और फ्रेंच साहित्य भी, जर्मन साहित्य भी, अंग्रेजी साहित्य तो पढ़ा ही है, तो इन सब में मुझे कहीं भी ऐसा कोई कवि नहीं नजर आता जिसमें ये चीजें, बाद में जाकर के थोड़ा सा हमको बॉडलेयर वगैरह में ये चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें भी एक एक तरह का अतिरेक दिखाई देता है जो गालिब में एक संयम है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक खास चीज है जो गालिब को एक वास्तविक अर्थों में एक आधुनिक कवि बनाती है, अच्छे अर्थों में आधुनिक कवि बनाती, इसलिए मैंने ये लिखा और आज भी मैं मानता हूं कि ये बात सच है। आपने आप देखिए उनका वही शेर पर्याप्त है, अपनी हस्ती से हो जो कुछ हो, आग ही गर नहीं गफलती सही। यानी मैं केंद्र में, मनुष्य केंद्र, ये निजी गालिब नहीं है, ये मनुष्य के लिए है कि वहां केंद्र में मनुष्य अपनी तरह से तय करके कुछ कर रहा है। और अगली पंक्ति तो आगे ही गर नहीं गफलती सही, मतलब जो स्वीकार भाव है। तो आपने आधुनिक उर्दू लेखकों पर भी काफी काम किया है, काफी पुस्तकों का संपादन किया है, और उर्दू के एक बड़े लेखक शीनकाब निजाम साहब के साथ आपकी प्रगाढ़ मित्रता रही है। तो ये भारतीय भाषाओं में उर्दू का जो मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह से, जैसे उर्दू है भी और नहीं भी। नहीं, मैं समझता हूँ कि उर्दू कविता तो काफी लिखी जा रही है और प्रोज भी लिखा जा रहा है, लेकिन समस्या ये आती है कि जब आप भाषा की बात करते हैं तो केवल साहित्य की बात नहीं होती, उर्दू साहित्य भी पर्याप्त है और काफी लिखा जा रहा है, नए लोग भी काफी लिख रहे हैं, कुछ तो एक आध बिल्कुल युवा लेखक से तो मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ, मैंने भूमिका भी लिखी उनके, मैंने कहा बिल्कुल अलग किस्म की गजलें वो आदमी लिख रहा है। लेकिन
क्योंकि भाषा केवल साहित्य नहीं होती है। जब आप भाषा की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ चीजें आनी चाहिए। हमारे डॉक्टर लोहिया तो कहा करते थे कि भाषा में छिनाली करने का भी सामर्थ्य होना चाहिए, यानी सभी तरह का सामर्थ्य होना चाहिए। तो ये चीज उर्दू में कम हो जाती है। यानी बाकी जो विचार है, साहित्य का विचार है वहाँ, साहित्य के सिद्धांत जो उनके बारे में उर्दू वाले लिखते हैं, गोपीचंद नारंग वगैरह बड़े प्रमुख महत्वपूर्ण लोगों में माने जा सकते हैं, शमसुर रहमान फारूकी दुर्भाग्य से अभी अभी वो चले गए, वो भी महत्वपूर्ण लोगों में माने जा सकते हैं जिन्होंने प्रोज लिखा और हिंदी उर्दू आलोचना लिखी। लेकिन साहित्यिक, लेकिन वो भी है साहित्य का मसला ही, उसके अलावा जो दूसरे विषय है जैसे अर्थशास्त्र है, जैसे दर्शन है, जैसे राजनीतिक विज्ञान है या सोशियोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इन सब चीजों के बारे में उर्दू में नहीं है। उर्दू में कोई किसी प्रकार का बहुत मामूली सा कुछ किसी ने लिखा हो तो, लेकिन और ये जिस भाषा में ये नहीं होगा वो भाषा केवल एक साहित्यिक भाषा बन के रह जाएगी, जो अपने आप में अच्छी चीज है। साहित्य लिखा जाना कोई बुरी चीज नहीं, वो तो है ही है, हम लोग सब उसी फील्ड के लोग हैं, लेकिन तब पूरी भाषा का विकास नहीं होगा। आपके यहाँ जब राजस्थानी की बात होती है तो मैं अक्सर सब राजस्थानी मित्रों से कहता हूँ, मैंने कहा आप अगर राजस्थानी को माध्यम बनाना चाहते हैं, जो मैं भी चाहता हूँ कि हो, और राजस्थानी सारी मातृभाषाएं माध्यम होनी चाहिए शिक्षा का, ये मेरा बुनियादी सिद्धांत गांधी जी से प्रेरित होकर के मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन वो कैसे बनेगी, क्योंकि आप सिवाय कविता कहानी के तो दूसरा काम कर नहीं रहे उसमें। जी यहाँ आपने बीकानेर के जो बहुत सारे लोग, तुम भी जिसमें शामिल हो और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनको अकेडमी अवार्ड वगैरह भी मिले हैं राजस्थानी के, और जो लगातार राजस्थानी का डिमांड करते रहते हैं, उनसे मैंने हमेशा यही कहा कि आप बाकी काम क्यों नहीं कर रहे, क्या इंतजार करेंगे जब हो जाएगा तब करेंगे, मतलब कुछ सार्वजनिक सूचनाएं तक नहीं मिलती, नहीं मिलती है। तो आप मतलब जो है वैचारिक विकास नहीं होगा तो भाषा सीमित होकर रह जाएगी। तो उर्दू के साथ ये समस्या हो रही है, जबकि अखबार भी निकल रहे हैं वहां पर, यूनिवर्सिटीज भी हैं उर्दू की, वो कोशिश कर रही हैं, मतलब दो तीन यूनिवर्सिटी से मैं ही परिचित हूँ जो उर्दू में पढ़ाती हैं, सब करती हैं, लेकिन उनका भी ध्यान अधिकांशतः साहित्य पे ज्यादा केंद्रित रहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बीकानेर की तरफ लौटा के ले जाना चाहता हूँ, मतलब बीकानेर में होता हूँ। आपने जब लिखना शुरू किया, आपका नाम भी किशोर है और केशोरी भी आपने निश्चित ही देखा और भोगा होगा, तो आप जब आपने जब लिखना शुरू किया, और आप एक परंपरागत बहुत ब्राह्मण परिवार के हैं, बीकानेर के जो परंपरागत ब्राह्मण परिवार के हैं, तो उस समय की कैसी क्या कुछ के कुछ परिस्थितियां थी, कोई अवरोध आपको महसूस हुए लेखन में, या आप कोई दूसरी दिशा जीवन में पकड़ने का कोई दबाव? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि परिवार को तो बहुत समय तक पता भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पढ़ रहा है लड़का, ठीक है, नौकरी कर लेगा पढ़ करके, इतना ही ख्याल था। लेकिन मेरे मन में शुरू से परंपरा की बहुत सी चीजों के प्रति एक विरोध या एक आलोचनात्मक भाव था, बहुत शुरू से था, और धीमे धीमे वो और मतलब मैच्योर होता गया यूं कहना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मणों में कम रहा, यद्यपि मैं ब्राह्मण परिवार का था, लेकिन मेरे मित्र जितने थे बचपन के उनमें शायद ही कोई ब्राह्मण था, उनमें सुथार थे, उसमें जैन थे, उसमें मुस्लिम थे, एक आध ब्राह्मण समझ लो था। तो उन सब के साथ मेरा उठना बैठना और उनके यहाँ खाना पीना ये सब चलता था, जिसको लेकर के और थोड़ा घर में बुरा भी लगता था। लेकिन मेरे बाबा जो थे, मेरे पिताजी के बड़े भाई, उन्होंने मुझे पाला पोसा एक तरह से, यूँ मानना चाहिए, मैं जो कुछ भी जिंदगी में अगर कुछ कर पाया और मुझे अगर परिवार से किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा तो उसके पीछे उनका प्रेम था। यद्यपि उनको साहित्य वगैरह से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको मुझसे मतलब था, और वो ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मेरे पे कोई दबाव डाले, तो इसलिए मैं जो करना चाहूँ वो करूँ जब तक कि वो अनैतिक काम ना हो, तो वो मेरे डिफेंस में खड़े रहते थे हमेशा, हर मसले पर मेरे डिफेंस में खड़े, और वो घर में सबसे बड़े थे,
एक तरह से उस समय परिवारों में सबसे बड़ा जो होता था वो शासक होता था घर का, तो उनका शासन चलता था और उस शासन में मुझे सुविधाएं प्राप्त थी सारी आर्थिक। आप एक अक्सर मुझे जहाँ याद आता है कि एक व्यक्तिगत संस्मरण भी है कि आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए बाबा ने कैसे आपको। नहीं नहीं वो तो उन्होंने ही किया, मेरे पिताजी ने मुझे चौथी क्लास पास करते कह दिया दुकान पे बैठ जाओ। और वो उनका भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि जो परिवार की परिस्थितियां थी तो उनको लगता था बच्चा अगर दुकान पे बैठ जाएगा तो जो आदमी रखना पड़ता है उनको एक और 100-200 रुपया उसको भी देना ही पड़ता था तो वो बच जाएगा। और परिवार बड़ा था हमारा तो ये था, और परिवार को चलाना है तो ये तो कर और क्या करेगा। उनके भी दिमाग में कह दिया था कि क्या कर लेगा पढ़ लिख करके, अधिक से अधिक मैट्रिक कर लेगा तो भी नौकरी करेगा 100-200 रुपये की, उस जमाने में इतनी मिलती थी, तो दुकान बैठ जाए। क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये किसी को आइडिया नहीं था। मेरी माँ जरूर चाहती थी कि मैं पढ़ूं, पर उनका भी धारणा यही थी कि पढ़ करके कहीं नौकरी लग जाएगा और अच्छी कमाई। तो उस समय नहीं, उनकी भी नौकरी बड़ी ऊंची नौकरियां नहीं थी दिमाग में, कोई रेलवे में बैंक में कहीं, मतलब जैसे उनके दूसरे रिश्तेदार लगे हुए थे या उनके सुरक्षित आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा तो खैर IAS बनने भी हो सकती थी, पर वो दिमाग में नहीं आता था, वो सिर्फ ये था ये काम कर ले। मैं मजाक में कहता भी था मेरी माँ को कई बार, वो कई मुझे बच्चों का हवाला देती साथ पढ़ने वालों का, देख वो घर का काम भी करता है, वो ये भी करता है, वो बाबा के सामने डांट तो ज्यादा सकती नहीं थी बाबा के कारण से, पर कभी कभी वो भी करता है, तू कुछ नहीं करता। ये मैंने कहा माँ ये सब क्लर्क बनेंगे, मैं यही कहता था, मैंने कहा ये सब बाबू बनेंगे, मेरे को बाबू नहीं बनना है, अब तू कुछ बड़ा अफसर बन जाएगा। मैंने कहा अफसर चाहे बनू या नहीं बनू, मैं कुछ बन जाऊंगा जिसमें तेरे को गर्व होगा। ये मजाक में वापस कहता था, क्योंकि मैं एक लेखक बनूंगा ये बात लगभग मैट्रिक के बाद मेरे मन में आ गई थी। और उर्दू वगैरह में लिखना मैंने फर्स्ट ईयर वगैरह में शुरू कर दिया, बल्कि शुरुआत आपने उर्दू से की, मतलब एकदम शुरुआत तो हिंदी से कहना चाहिए। बचपन में जो कविताएं वगैरह लिखी, कुछ नाटक एक लिखा मेरे एक मित्र थे उनके साथ मिलकर के एक नाटक लिखा, खेला भी हमने वो अपने मोहल्ले में, तो वो तो हिंदी में ही था, लेकिन बाद में जब मैं गालिब को पढ़ा और फिर उर्दू के नागरी में जितना छपा है उर्दू ऑलमोस्ट सारा मैंने पढ़ा है उस समय भी और अभी भी जो छपता है पढ़ता रहता हूँ, तो इस कारण से मेरी भाषा पर मेरे उस पर काफ़ी असर उसका रहा, शुरू में तो बहुत रहा, तो उसको मैं पढ़ता रहा और फिर कुछ लिखने लगा। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि जब तक मैं उस भाषा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नहीं सीख लेता हूँ तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होगा, और फिर उतना समय नहीं था कि मैं उसमें जाता, तो फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। अज्ञेय की काव्य तितिक्षा को मैंने कई बार पढ़ा है, तो उसमें आपने वही जो शुरू में आपने कहा था कि अज्ञेय का जो शब्द विवेक है आपने उसमें उसको बहुत खंगाला है, और उस और उससे अर्थ की क्या मतलब के घात प्रतिघात या मतलब उसकी ध्वनियों की टकराहट होती है, उस पर आपका बहुत वैचारिक मूल्यांकन आपने नहीं किया है अज्ञेय का उस किताब में, बल्कि सौंदर्य मूलक मूल्यांकन किया है, और निश्चित ही मुझे भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब भी वो किताब शायद बहुत सारे पाठ्यक्रमों में एक संदर्भ ग्रंथ की तरह शामिल है। तो वो एक साहित्य में एक पुराना झगड़ा जो रहा है रूपवाद का और मैसेज का संदेश का, तो उसको उसको किस नजरिए से देखते हैं कि साहित्य संदेश है लेकिन उसको किस तरह संदेश होना चाहिए। नहीं नहीं एक तो जब हम संदेश शब्द इस्तेमाल करते हैं तो एक उसका विशेष अर्थ हो जाता है, जैसे उसके लिए लिखा जाता है ना, मैं ये मानता हूँ उसके लिए नहीं लिखा जाता है। मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा जो मैं कई दफा और इन दिनों में बहुत ज्यादा बहुत बार मैंने उसको कहा है कि साहित्य एक प्रकार का अन्वेषण है, वो संवेदनात्मक अन्वेषण है या अनुभूतियात्मक अन्वेषण है। प्रत्येक अनुभूति आपको किसी न किसी मूल्य तक ले जाती है अगर वो अनुभूति है तो वही उसका संदेश है, मूल्य ही तो संदेश होता है, इसके अलावा संदेश क्या होता है। तो इसलिए मैं ये और वो काफी हद तक ये जो अन्वेषण है ये इस बात से भी तय होता है कि अन्वेषण के साधन आपके पास क्या है।
दर्शन के अंदर ये माना जाता है कि एक ज्ञान मीमांसा होती है, दूसरी तत्व मीमांसा होती है, यानी फिर नीति मीमांसा या बोली मीमांसा होती है। तो तय होता है इस चीज से कि आपके पास में साधन क्या है ज्ञान के, कि ताकि आपका ज्ञान प्रामाणिक हो। तो ज्ञान क्या होता है तो बाद में तय होता है, लेकिन पहले एक आप कैसे उस ज्ञान तक पहुंचते हैं, प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या साधन इस्तेमाल किए हैं आपने। विज्ञान के जैसे एक अलग साधन होते हैं, तो अगर वो साधन ही गलत है तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिससे आपने कहा कि शब्द विवेचन, वो शब्द तो साधन है, और मैं ये मानता हूं कि केवल साधन ही नहीं, वो अपने आप में साध्य भी है। क्योंकि जब तक उस साधन को आप साध्य की तरह नहीं मान लेते हैं, तब तक वो आपको कहीं नहीं पहुंचाता, फिर आप केवल अपने विचारों का साधन बनाते हैं उसको, जबकि वो एक मूल्य को साधता है। तो इसलिए यह एक अनुभूति को साधता है, तो इसलिए अज्ञेय ये काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ जिससे तुमने शब्द विवेचन कहा है वो ठीक है, अगर आप स्थूल रूप से कहें तो आप उसको रूपवाद कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अज्ञेय के विचारों की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अज्ञेय के विचारों को समझना मेरा उद्देश्य है, उस कवि के अनुभूति से जो विचार पैदा होते हैं उसको समझना मेरा उद्देश्य है, शीर्षक से भी प्रकट होता है। तो अगर उसको समझना मेरा उद्देश्य है तो मुझे तो उन शब्दों की सारी अंतर्ध्वनियों में जाना पड़ेगा, और मुझे क्यों किसी भी पाठक को या लेखक आलोचक को ये देखना पड़ेगा कि अंतर्ध्वनियां कहाँ ले जाती है। तो वो केवल शब्द विवेचन नहीं है, वो उसका या केवल रूपगत नहीं है, उस रूप के माध्यम से जो अनुभूति आप तक संप्रेषित होती है और उस अनुभूति के अंदर जो मूल्य उसके गर्भ में है उसको समझना, ये आलोचना का काम होता है। विचारों की सहमति असहमति का कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता, फिर उसके लिए मैं दर्शन में जाऊंगा या वैचारिक उसमें जाऊँ, वहां मैं करूंगा जो मुझे करना है। लेकिन जब मैं कविता को या साहित्य को या कला के किसी भी रूप को समझने की कोशिश, तो पहली चीज ये को अनुभूतियात्मक संप्रेषण करने में कला समर्थ होती है कि नहीं होती, और अगर वो इस और हर अनुभूतियात्मक संप्रेषण अपने में एक अन्वेषण होता है, अगर अनुभूति नई नहीं है तो अनुभूति ही नहीं है। अनुभूति शब्द का ही अर्थ ये है कि उसमें आप ऐसा होना महसूस कर रहे हैं, अगर आप पहले से जो चीज तय है वैसे ही आप महसूस कर रहे हैं तो फिर आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपने इसके लिए एक बड़ा पद प्रयोग किया है एक जगह अपने लेखन में, क्या अनुभूति की अतर्क्य कौंध, अतर्क्य कौंध है वो। हाँ, तो उस अतर्क्य कौंध को फिर उसको जब लेखन जब आप भाषा में उसको प्रक्रिया में लेते हैं उस कौंध को, तो फिर वो मामला तो काफी एस्थेटिकल हो जाता है वो। तो एस्थेटिक्स में क्या गड़बड़ी है, कला तो है ही एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स के माध्यम से ही वो काम करती है, नहीं तो आप हर चीज को तो कला नहीं कहते। अगर कोई आदमी खाली कहते मुझे ऐसा अनुभव हुआ, उसको तो आप कला नहीं मानेंगे। और आपकी जो इन पिछले लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से जो कविताएं आप लिखते रहे उनसे मैं हमेशा ही प्रगाढ़ परिचय में रहता हूँ, आप जानते ही हैं, तो उनमें भी शब्द के प्रति आपकी मतलब सजगता बहुत एक बहुत उच्च कोटि, या कहें कि एक यूं लगता है कि जैसे कोई उसको निर्विकल्प कर देना है उस शब्द को, उस स्थान पर दूसरा कोई शब्द नहीं रखा जा सकता। लेकिन उसके साथ विषयों की भी थोड़ी सी आपका स्वभाव बदला है, कवि स्वभाव बदला है। इन दिनों की आपकी कविता में एक विशेष प्रकार के वैराग्य का स्वर है और एक गहरी आध्यात्मिक वेदना या प्रश्नाकुलता है। जैसे इन दिनों की एक कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने उसे उद्धृत भी किया है, उसमें कहते हैं कि मतलब सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे समय का आदमी आत्म को जीतता नहीं है, और आपने आत्मकथा पर यह कविता लिखी है कि आत्मकथा लिखने का मित्रों का प्रस्ताव है, लेकिन क्या लिखूंगा कि मैंने आत्म जिया ही नहीं, अपने आत्म जिया ही नहीं है। तो ये क्या हमारी जो भारतीय आध्यात्मिक पद्धति है जो जिसे एक तरह से गीता से भी जोड़ा जा सकता है कि अपने आत्म को पहचानना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, उससे इसका नाता कैसे तो बैठता है और कैसे नहीं बैठता है। एक तो ये मतलब तलाश करने की जरूरत ही क्या है कि उसका नाता बैठता है कि नहीं बैठता है। अच्छा, यही मुझे गैर साहित्यिक
आग्रह लगता है नहीं बैठता तो नहीं बैठता है, बैठता है तो बैठता है। सवाल सिर्फ इस बात का उठता है कि जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना आत्म जिया ही नहीं, तो ये इस आत्म की भी कई ध्वनियां हो जाती हैं। आत्म और आत्मा में फर्क, अंग्रेजी में से सोल और सेल्फ कहा जाता है, ये फर्क है दोनों के बीच में। तो यदि हम दोनों को एक अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी आत्मा ही शब्द इस्तेमाल किया, परंपरा में भी आत्म नहीं कहा गया केवल उसको। तो इसकी इसकी वजह यह है कि अगर आप उसको पहचान नहीं सकते, मतलब अपने सेल्फ को नहीं जी सकते, उसके बाद आप आत्मा को भी कैसे जी उसकी अनुभूति कर पाएंगे? क्यों नहीं? जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसको जिया ही नहीं, तो क्या ये केवल मैं अपने ही बारे में कह रहा हूँ? नहीं नहीं, अपने ऐसा नहीं है। या कि ये मैं आज के मनुष्य के बारे में कह रहा हूँ? अगर कोई नितांत आपके अपने अर्थ में लेता है तो कविता नहीं होती। मैं वही कर इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अगर, और अगर मैं आज के मनुष्य के अर्थ में कह रहा हूँ, तो क्या केवल उस मनुष्य के निजी जीवन के बारे में कह रहा हूँ, क्या कि पूरे समय ने उस मनुष्य को कैसा बना दिया, इसकी तरफ भी संकेत है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि समय जो है वो कविता में स्थूल रूप में नहीं आता है, वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसे सारे जर्नलिस्ट करते हैं वैसे आ जाएगा, लेकिन अच्छा जर्नलिस्ट जो करता है वो आ जाएगा, लेकिन वो कैसे अनुभूति के स्तर पर आता है। या आपने किताबों की भूमिकाओं में भी कई जगह लिखा तो है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अगर नहीं आता है तो वो एस्थेटिक्स भी नहीं है। यानी आप जिसे एस्थेटिक्स कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि तब वो एस्थेटिक्स भी नहीं है, क्योंकि अगर फिर तो एक बड़ा सपाट वर्णन है, जो मैंने देखा वैसा लिख दिया। तो जो देखा उसने मेरे को कहाँ और किस स्तर पे, और मैं कैसे पूरे अपने माध्यम से पूरे मनुष्य मात्र के लिए लिख रहा हूँ, अगर तो उसको मैं कितना पहचान पाता हूँ, कितना नहीं पहचान पाता हूँ, क्या मेरी ट्रेजेडी है, क्या मेरे द्वंद्व है, जो आज के मनुष्य के द्वंद्व भी है। जब गालिब ये कहते हैं कि दिल में क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता, हाँ एक हसरत तामीर थी सो है, तो क्या वो अपने ही बारे में कह रहे हैं? केवल कोई कभी केवल अपने बारे में नहीं कहता। घर में था ही क्या, था ही क्या घर में क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता। तो ये जो बात है वो एक तरह से केवल अपने बारे में नहीं कही जा रही, वो सभी के बारे में कही जा रही होती, अपने समय के बारे में भी कही जा रही होती। अब समय का एक बिंदु आ गया है, समय का हमारी तरफ संकेत भी हुआ है, तो मैं ये तो गुजारिश करूंगा, और जो ऑडियंस आपकी होगी वो भी चाहेगी कि आपके मुंह से एक कविता सभी लोगों को सुनने को मिले। तो आप अगर पहले तुमने कहा होता तो मैं ले आता साथ में। नहीं, आपको याद है मुझे, लेकिन सभी थोड़ी याद रहती है, तो जो पुरानी कविताएं तो कुछ याद नहीं, तो अब ज्यादा पढ़ी नहीं जाती इसलिए याद नहीं रहती। एक तो यही कविता है आत्मकथा वाली, जो जिसका जिक्र तुमने किया, तो छोटी सी कविता है वो, दो कविताएं सुना देता हूँ। एक वो और एक बहुत शुरू में जो कविता मैंने लिखी थी, मोरपंख, वो मुझे हमेशा याद रहती है, और वो शायद पहली कविता थी जिससे थोड़ी पहचान मेरी बनी थी। मोरपंख बहुत आज भी बहुत स्मरणीय कविता है। तो पहले मोरपंख सुना देता हूँ। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। अब देखिए, जिस आध्यात्मिकता को मैं कह रहा था मनुष्य केंद्र में होना चाहिए, उसकी तरफ से भी इसको देखिए, और इस तरह से भी इसको देखिए कि आप केवल साधन बन करके नहीं रह सकते, किसी के माध्यम बन के नहीं रह सकते। और कोई किसी को माध्यम बनाता है तो वो कहीं ना कहीं उसका शोषण कर रहा है, ये भाव भी कहीं उसमें है। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा, मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पंख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी और न भी चढ़ती तो भी, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। यह अंतर क्या कम है, यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी। बुरा न मानना अब मैं तुम्हारी बांसुरी
नहीं रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरी कविता जिसका जिक्र तुमने किया, हाँ जानता हूं आत्मकथा लिखने के दिन है अब, हाँ जानता हूं आत्मकथा लिखने के दिन है अब, पर लिखूंगा क्या, जिया ही नहीं अपना आत्म जब मैं नहीं, पर लिखूंगा क्या, जिया ही नहीं अपना आत्म जब मैंने, लिखूंगा जो कथा होगी वह तिल पल खिरने की मेरी, लिखूंगा जो कथा होगी वह तिल पल खिरने की मेरी, हाँ जानता हूं आत्मकथा लिखने के दिन है अब। तो लोकायन की तरफ से और राजस्थान सरकार के सभी सम्मिलित विभागों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस वार्ता में आप पधारे और बहुत सारी ऑडियंस को इस आपकी वार्ता का बहुत लाभ मिलेगा, लोग आपको सुन पाएंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।